بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم Dear students, आज के हमारे topics हैं evaporation, condensation and vapor pressure. सबसे पहले हम discuss करेंगे evaporation. Conversion of a liquid to a gas or vapor at all temperatures is called vaporization or evaporation. लिक्विड मॉलिक्यूल्स का गैशियस मॉलिक्यूल्स या वेपर्स में कन्वर्ट होना एवोपोरेशन कहलाता है. हर टेम्परेचर पर, चाहे वो कम टेम्परेचर हो चाहे वो ज्यादा टेम्परेचर हो, एट ऑल टेम्परेचर द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू गैशियस मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एवोपोरेशन. लेट सपोज आपके पास एक लिक्विड किसी कंटेनर में अवेलेबल है, सो उस लिक्विड में सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल से ज्यादा होगी. यानी जिन मॉलिक्यूल्स की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो सरफेस पर आकर ब्रस्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट पर. उसके बाद उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बाद जिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस स्टेट में. उसके बाद फिर जिन मॉलिक्यूल्स की रह गई होगी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वो सरफेस पर आकर सरफेस से एस्केप कर जाएंगे और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो इसी तरह एक एक मॉलिक्यूल्स बारी बारी काइनेटिक एनर्जी के ऑर्डर पे, काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे कन्वर्ट होते चले जाएंगे गैस लिक्विड मॉलिक्यूल से गैसियस मॉलिक्यूल में. यानी जिनकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे पहले कन्वर्ट होंगे लिक्विड मॉलिक्यूल से गैसियस मॉलिक्यूल, उसके बाद जिनकी कम काइनेटिक एनर्जी होगी फिर वो दूसरे नंबर पर, एंड सो ऑन. सारा का सारा लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस या वेपर स्टेट में. एवोपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है बिकॉज व्हेन लिक्विड टर्न्स टू गैस इट नीड्स मोर एनर्जी एंड सो इट हैज टू टेक द एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड व्हेन द हीट energy leaves with the evaporating liquid, the surrounding gets cooler. Basically, कुछ यूँ होता है कि liquid molecules को gaseous molecules में vapor state में convert होने के लिए heat energy चाहिए होती है और वो heat energy surrounding से gain करता है. Let's suppose गर्मियों में आपको sweating हो रही होती है, so आपके skin surface के ऊपर जब liquid molecules, sweat molecules आ जाते हैं सो वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने एवोपोरेट होना होता है. सो वो एवोपोरेशन के लिए आपके स्किन से हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में. सो जिसकी वजह से आपके स्किन का टेम्परेचर लो हो जाता है और आप कूलिंग इफेक्ट महसूस करते हैं, आपकी स्किन ठंडी महसूस होती है. सिमिलरली गाँव में अक्सर ये प्रोसेस होता है कि मिट्टी के घरों में लोग गर्मियों के मौसम में पानी का छिड़काव करते हैं. सो वो जब वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को जमीन पे फेंकते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जमीन से हीट एनर्जी, एनवायरनमेंट से, उस रूम से हीट एनर्जी गेन करके वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट हो जाते हैं, ठंडक महसूस होती है. नेल पॉलिश रिमूवर का एवोपोरेशन के साथ क्या ताल्लुक है? बेसिकली नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है. एसीटोन मेन इंग्रेडिएंट है और वो हाईली वोलेटाइल इन नेचर है, यानी बहुत ज्यादा जल्दी एवोपोरेट होता है. सो जैसे आप नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए उसके ऊपर नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं सो उसमें जो एसीटोन होता है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए आपके स्किन से, आपके नेल्स या फिंगर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो जाके लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट्स व्हाई आपके फिंगर या नेल्स का टेम्परेचर लो हो जाता है और आप ठंडक महसूस करते हैं. सिमिलरली जख्म पर आप स्पिरिट वगैरह लगाते हैं, आयोडीन वगैरह लगाते हैं या पायोडीन, सो उसमें भी यही हाई वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं. सो जब वो आपके स्किन के ऊपर वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपकी स्किन से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है, आपको कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है. ये टॉपिक कोर्स में नहीं है लेकिन जस्ट एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो एवोपोरेशन है उसका रेट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है. सबसे पहला टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा
उतने ही ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी ज्यादा मिलेगी और वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट होंगे गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में. सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेपर प्रेशर. जितना कम टेम्परेचर होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी कम मिलेगी और वो कम ही एवोपोरेट होंगे. सिमिलरली ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ह्यूमिड एयर जब होती है जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है सो रेट ऑफ एवोपोरेशन क्या होता है वो बहुत कम होता है. क्यों भला? क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिड एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है. नए मॉलिक्यूल्स के लिए उतनी ज्यादा रूम अवेलेबल नहीं होता, उतनी ज्यादा जगह अवेलेबल नहीं होती. सो रेट ऑफ ऑपरेशन कंपेरेटिवली कम होता है. इसी तरह जो अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम हो, खुश्क ड्राई एयर हो, वहां पर चूंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं सो रेट ऑफ एवोपोरेशन भी बहुत तेज होते हैं. लिक्विड मॉलिक्यूल्स को मौका मिल जाता है जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा एवोपोरेट होने का. सिमिलरली नेचर ऑफ द लिक्विड पर भी डिपेंड करता है. जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है उनका रेट ऑफ एवोपोरेशन कम होता है. लेट सपोज शहद है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है सो उसका रेट ऑफ एवोपोरेशन बहुत ज्यादा कम है. सिमिलरली जो स्पिरिट है या एसीटोन है या पेट्रोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है सो दैट्स व्हाई उसका रेट ऑफ एवोपोरेशन बहुत ज्यादा है, जल्दी एवोपोरेट होता है, वोलेटाइल इन नेचर होता है. सिर्फ इसे रफ लिक्विड आप 2 ग्लास ऑफ वाटर ले लें, एक ग्लास को एज इट इज रख दें, दूसरे ग्लास को स्प्रेड कर दें फ्लोर पर. सो जो आपने स्प्रेड किया होता है फ्लोर पर वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वो जो पानी है वो जल्दी ऑपरेट होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. सिमिलरली मूवमेंट ऑफ एयर जब एवोपरेशन हो रही होती है तो एयर इन मोशन इन विंड जल्दी जल्दी उन लिक्विड गैसियस मॉलिक्यूल्स को रिमूव करती है, वेपर फॉर्म को, वेपर स्टेट को, वेपर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करती है और रेट ऑफ ऑपरेशन इनहेंस होता है, ऑपरेशन भी जल्दी जल्दी होता है. सिमिलरली स्टैटिक एयर में रेट ऑफ ऑपरेशन कंपैरेटिवली कम होता है. प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो रेट ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज होते हैं एंड वाइस वर्सा. नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंसेशन, टोटली अपोजिट टू दैट ऑफ ऑपरेशन. द चेंज ऑफ वाटर from its gaseous form to liquid water. यानी gaseous molecules का दोबारा liquid form में convert होना condensation कहलाता है. Simple से example daily life में दो, कोई kettle जिसमें पानी उबल रहा हो तो उसका cover जब आप उठाते हैं तो cover के lower side पे आपको पानी के molecules टपकते हुए नजर आते हैं. So वो basically condensation की वजह से ही होता है कि जो gaseous molecules बन रहे होते हैं वो केटल के कवर से टकरा कर कंडेंस हो जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वेपर प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वेपर प्रेशर को समझने से पहले मैंने आपको इवेपोरेशन भी समझा दिया और कंडेंसेशन भी समझा दिया, दोनों का यूज यहाँ पे करेंगे. सो द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड. अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम स्टेज क्या है वो मैं आपको समझा दूं, उसके बाद वेपर प्रेशर समझना बहुत आसान है. लेट सपोज आपने एक कंटेनर, एक क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड लिया, उसको आपने हीट किया. अब इनिशियली वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे वेपर्स, यानी रेट ऑफ एवोपोरेशन स्टार्ट होगा. क्या होता है रेट ऑफ एवोपोरेशन, पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको समझा दिया. सो इनिशियली जब आप उसको हीट करेंगे तो स्टार्ट में क्या होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होंगे गैसियस स्टेट में, रेट ऑफ एवोपोरेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा. अब कुछ देर बाद वही गैसियस मॉलिक्यूल्स, वही वेपर्स वॉल्स ऑफ कंटेनर से या कवर ऑफ कंटेनर से टकराकर या दोबारा लिक्विड के सरफेस से टकराकर दोबारा कंडेंस हो जाएंगे. वही वेपर्स दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कुछ देर बाद. पहले रेट ऑफ एवोपोरेशन स्टार्ट हो गया, काफी इंक्रीज हो गया, उसके बाद रेट ऑफ कंडेंसेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया. अब रेट ऑफ कंडेंसेशन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वेपर्स मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली रेट ऑफ कंडेंसेशन भी इंक्रीज होगा. एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें रेट ऑफ एवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होना और गैसियस मॉलिक्यूल से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये दोनों रेट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं. इसी स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं.
यानी वो स्टेज जिसमें रेट ऑफ एवपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों आपस में इक्वल हो जाए, इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेट के दौरान, इस इक्विलिब्रियम स्टेट के दौरान जो वेपर का प्रेशर होता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी वो प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड, यानी जब वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है, एवपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों आपस में इक्वल हुए होते हैं, सो ऐसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज के दौरान वेपर्स का जो प्रेशर होता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। बुक में थ्योरी लिखी हुई आपने लिखनी है, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लिखनी है, यही डायग्राम बनानी है, प्रॉपर तरीके से लिखना है, ये आपका होम टास्क है। सो उम्मीद है वेपर प्रेशर की समझ आ गई होगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, बेसिकली टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज द कैनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, एज अ रिजल्ट मोर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू एस्केप द सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी टेम्परेचर आप ज्यादा करते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होती जाएगी और वो जल्दी जल्दी सरफेस से एस्केप होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। इसी तरह आप कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जल्दी एवपोरेट हो जाएंगे और उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क, होम टास्क, रिसर्च वर्क हर चीज सही से कीजिएगा। किसी चीज की समझ ना रही हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।